मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला मुख्यालय की नगरपालिका सीहोर में एक बार फिर भाजपा का कमल खिला है। इस बार सीहोर को प्रिंस राठौर के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष मिला है, जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन कर नगरपालिका के अध्यक्ष पर अपना कब्जा जमाया। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव में भाजपा के प्रिंस राठौर को 24 मत और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजीव गुजराती को 10 मत ही प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ नगरपालिका सीहोर के 35 वार्डों में से 22 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए, जिससे सीहोर नगरपालिका में भाजपा की सरकार बनना तय माना जा रहा था। इसी के बीच नगरपालिका अध्यक्ष की दौड़ में भाजपा से वार्ड 9 से जीते पार्षद पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम यादव और वार्ड 15 से निर्विरोध चुने गए प्रिंस राठौर में मुख्य मुकाबला था। इस चुनौती को प्रिंस राठौर ने काफी आसानी से पार कर लिया। इस दौरान नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने सीहोर की जनता का धन्यवाद दिया तो सीहोर को विकास की गति प्रदान करने की बात भी कही। मैं शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण को, विधायक जी को, माननीय जिलाध्यक्ष जी को, सभी पार्षदों को और सभी जनता को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। सभी पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और जनता का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस उम्मीद से मुझे यहाँ बिठाया है उस उम्मीद पर मैं कायम हूँ। सीहोर के विकास के लिए चहुमुखी विकास सीहोर का माननीय विधायक जी के नेतृत्व में होता आ रहा है और अब नगरपालिका भी सीहोर नगर में ऐतिहासिक काम करने की ओर अग्रसर रहेगी और जो भी विकास कार्य अभी अधूरे रहे हैं उसको पूर्ण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जताया है उसको हम पूरा करेंगे। भाजपा की राय शुमारी में युवा नेता प्रिंस राठौर पार्षदों की पहली पसंद बने तो भाजपा ने भी प्रिंस को सीहोर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि प्रिंस राठौर वर्तमान में भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं, वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।